Today, we will start some basics of thermodynamics, which are very essential to study the thermodynamics as well as statistical mechanics. So, here these are. Number one, what is system and surrounding? A thermodynamic system is that part of the universe which is being subjected to thermodynamic scrutiny. Everything else in the universe constitutes the surroundings. Or a definite quantity of matter bounded by some closed surface is known as system. Matter and the space external to the system is called environment. So, agar dekhe, एक सिस्टम जो होता है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर से चारों ओर से बाउंडेड होता है और ये क्लोज्ड होता है. इसके चारों ओर का जो स्पेस होता है एक्सटर्नल, ये एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. तो ये एक सिस्टम है, इसके चारों ओर एक बाउंड्री है और बाउंड्री के चारों ओर जो ये मैटर और स्पेस है एक्सटर्नल, ये एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम. मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब ओपन सिस्टम क्या है? ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग. ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किए जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे. एग्जांपल में द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन ओपन वेसल. क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग. मतलब सिर्फ एनर्जी को ये एक्सचेंज कर सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ. एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेटर, बैटरी एक्सेट्रा. आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, जिसमें हमारा यूनिवर्स है यह सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ रहता है. अब हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेट वेरिएबल्स को. द वेरिएबल्स change depend only on the initial and the final states and they are exact differential are called state variables. They are also part independent, path pe depend nahi karta hai aur ye exact differential hota hai. That is dou 2 f, agar f kya koi function hai, so dou 2 f dou y dou x is equal to dou 2 f dou x dou y. Example mein internal energy, entropy, pressure, volume, टेम्परेचर, एंथैल्पी. नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टेट वेरिएबल पे. नॉन स्टेट वेरिएबल्स आर पार्ट डिपेंडेंट. द वेरिएबल चेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स एज वेल एज ऑन द पाथ कनेक्टिंग दिस स्टेट. सो इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा. एग्जाम्पल में हीट, वर्क डन. नेक्स्ट आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर. ए टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन द वेरिएबल विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिवीजन आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल्स. एग्जांपल में प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, मोलर मास, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट एंड पार्टिकल डेंसिटी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि इसमें डिवीजन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली डिवीजन पर डिपेंड होगा. सो वेरिएबल विच आर एग्जैक्टली हाफ आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव. मतलब दो हाफ एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो टोटल हमको क्वान्टिटी मिलेगा. एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हीट, हीट कैपेसिटी, mass, etc. are extensive variables. Ratio of two extensive quantities is called a intensive
variable. Next है internal energy. The total energy stored inside the system is called internal energy. So internal energy U is equal to kinetic energy plus potential energy. UKE plus UP. For ideal gas, this internal energy, the partial differentiation of internal energy with respect to volume, keeping T constant, is equal to zero. This is also called Joule's law. Internal energy, it is a state function and extensive variables. It can change internal energy. अगर हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी यू इज इक्वल टू, चूंकि यू फंक्शन है टी का, तो डो यू बाई डो टी एट वी टी टी लिख सकते हैं. और यह है चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी कॉन्स्टेंट. ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गया विद कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी वी से इसको डिनोट करते हैं. इसको लिख सकते हैं सी वी डी टी. आगे बढ़ते हैं. वर्क डन from the energy that transferred due to the change in pressure is called work done. This is called W is equal to F dot TR. I for initial, F for final. F को हम लोग further denote करेंगे PdV से, pressure के respect में. चूंकि pressure हम लोग जानते हैं, इसके respect में हम लोग इसको change कर सकते हैं. चूंकि हम लोग define करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ वेरिएबल्स. ओके, सो पीडीवी, सो पार्ट डिपेंडेंट एंड इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल. अब आते हैं दो तरह के वर्क पे, एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंटरनल वर्क डन. वर्क डन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क डन. And the work done due to the interaction between different parts of the system is called internal work done. यहाँ पे work done complete है. आगे आते हैं heat पे. Heat is the form of energy that transfer due to the temperature difference. Heat can flow spontaneously from hot body to cold body. Next is indicator diagram. It is also called PV diagram, because P on the y-axis and V in the x-axis. तो इस तरह से किसी भी thermodynamic process के लिए pressure और volume को अगर change करता है, तो उसके लिए हम एक diagram draw करते हैं, जिसमें V को हम लोग x-axis पे और P को हम लोग y-axis पे plot करते हुए किसी भी thermodynamic process का diagram draw कर सकते हैं. इस तरह के diagram को हम लोग indicator diagram या PV diagram कहते हैं. इस केस में dW is equal to PdV and it is also the area under the curve. If the volume is changing from V1 to V2, then total work done can be calculated V1 to V2 integration PdV. Cyclic process. A process that undergoes the system from one equilibrium state to another and come back to initial state. Cyclic process means अगर ये कुछ प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मूव करते हुए फिर यहीं पे समाप्त हो जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम हो, तो इस तरह के प्रोसेस हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. इस केस में वर्क डन जो होगा दैट इज विल इक्वल टू पीडीवी. ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे नोट देते हैं. और यहाँ पे जो चेंज इन स्टेट वेरिएबल होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. DU is equal to यहाँ पे जीरो है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. शॉर्ट में इसको हम लोग देखेंगे. आइसोबेरिक प्रेशर, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो. इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू होता है पी वी टू माइनस वी वन. चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो होगा. आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, W is equal to 0 and delta V is equal to 0. चूंकि V constant है, इसका derivative यहाँ पे 0 होगा. हम लोग यहाँ derivation को complete नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसका total part को देख रहे हैं. ये basics के लिए हमारा जान important है. Next, number 3, isothermal process.
It is a very slow process. Here temperature is constant and work done is calculated. W is equal to 2.303 and RT log V2 by V1. Delta T is equal to constant, so delta T is equal to 0. Adiabatic process, here heat is constant, work done is equal to NR 1 minus gamma T2 minus T1, and chuki heat is constant hai, isliye delta Q is equal to 0. ये भी कुछ क्वांटिटीज हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे आते हैं. इसके अलग अलग फॉर्म हैं. टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. टी पी टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये सब सारे 12th के बुक में हैं. आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं डेरिवेशन. हमारा मेन फोकस है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिया जाए ताकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारा क्लियर हो जाए. नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ए प्रोसेस इन विच सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो इट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस. ए प्रोसेस दैट कैन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन कंडीशन. मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है. द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, मतलब स्लो प्रोसेस होना चाहिए. Process must be non-dissipative, that is friction, resistance, viscosity must be absent. ये सारे जो external agent है ये इस पे absent होने चाहिए ताकि process slowly move करे और change कर जाए. इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. Next है adiabatic equation of perfect gas. PV to the power gamma is equal to constant, ये हम लोग बता चुके हैं. Gamma is equal to Cp by Cv होता है, ये भी आप लोगों को पता है. टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. टी पी पी टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये सारे प्रोसेस के लिए है. यहाँ पे पी वी टू दी पावर गामा है. अगर एडियाबेटिक प्रोसेस कर्व इस तरह से होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरह से, और आइसोबोरिक प्रोसेस जहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा गामा का, तो उस केस में इस तरह का कर्व होगा. वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. Work done in clockwise direction, then it is positive. Work done by the system, it is positive. Work done on the system, then it is negative. अब आते हैं heat capacity. The amount of heat required to change the temperature of a sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is called heat capacity. C is equal to dQ by dT. Its unit is जूल पर केल्विन. स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सैंपल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. हियर डीक्यू इज इक्वल टू सी डी टी. ऑल्सो वी कैन राइट एम सी डी टी. मोलर हीट कैपेसिटी. Heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is called molar heat capacity. For constant pressure, it is written as Cp, it is dQ by dT at constant pressure, and Cv, that is at constant volume, dQ by dT at constant volume. These are three important results related to Cp and Cv. Cp minus Cv is equal to Nr. R is a universal gas constant. Cp minus Cv is equal to R for molar heat capacity per mole. And Cp minus Cv is equal to Kb when we are calculating atomic heat capacity. Next is calorimetry principle. It is used to find the equilibrium of temperature. So in this case, there are two calorimetry. It is insulating wall, dotted portion are represented by dot. यहाँ पे हम लोग dotted wall को insulating wall से denote किए हैं. तो यहाँ पे temperature T1 है, यहाँ temperature T2 है, यहाँ CP1 है, CP2 है, यहाँ M1 है, M2 है. ये पहला system है, ये दूसरा system है. तो दोनों का अगर हम लोग find करने जाए, दोनों के लिए टोटल हीट जो होगा डेल्टा क्यू,
वो जीरो होगा। सो डेल्टा क्यू वन अगर इस पार्टिकल के लिए है, डेल्टा क्यू टू अगर इसके लिए है, इज इक्वल टू जीरो। दोनों का वैल्यू अगर पुट किया जाए, चूंकि हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी या सी डी टी, तो ये हो जाएगा पहले पार्टिकल के लिए एम वन सी वन डी टी और इसके लिए एम टू सी टू डी टी। टी जो है ये एक कॉमन टेम्परेचर है दोनों का, इसलिए यहाँ से डिनोट करके दिखाया गया। सो इसका टेम्परेचर टी वन से कॉमन टेम्परेचर तक जाएगा और इसका एक टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर से यहाँ तक जाएगा, तो टी टू से टी तक। केस वन, इफ सी वन एंड सी टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर देन एम सी वन टी माइनस टी वन प्लस एम सी टू टी माइनस टी टू इज इक्वल टू जीरो। सो इन दिस केस टी इज कैलकुलेटेड एज टी इज इक्वल टू एम वन सी वन टी वन प्लस एम टू सी टू टी टू डिवाइडेड बाई एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू। केस टू, इन केस ऑफ टू डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ सेम मटेरियल्स C1 is equal to C2 is equal to C. Therefore, in this case, T is equal to N1 T1 plus N2 T2 divided by N1 plus N2. Here, we have considered M1 is equal to N1 M and M2 is equal to N2 M. Case 3, if N1 is equal to N2, then T is equal to T1 plus T2 divided by. Next is laws of thermodynamics. First is zeroth law. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with one another. कहने का मतलब, अगर A एक system है जो C के साथ thermal equilibrium में है, B जो C के साथ thermal equilibrium में है, then A और B ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी and the equation is dq is equal to du plus dw, change in heat, change in internal energy and change in work done, and this work done we know that this is pdv. So cyclic process ke liye delta q is equal to cyclic tw, so delta u is equal to 0. Isothermal process ke liye delta q is equal to nrt ln Vf by Vi, F for final, I for initial, and delta U is equal to 0. Free expansion ke liye delta Q is equal to 0, delta U is equal to 0, and delta W is equal to 0. Aage aate hain, equation of state of an ideal gas. What is an ideal gas? The volume of molecule of a gas is negligible as compared to the volume of containing vessel. And the intermolecular forces are negligible. These two are taken from the kinetic theory of gases. So equation of state is PV is equal to small m divided by capital M RT, where we can write PV is equal to nRT, where n is equal to small m divided by capital M, mass of the substrate divided by atomic mass. Here capital R is equal to universal gas constant whose value is 8.314 joule per mole. अब equation of state जो है वो कुछ high temperature और low pressure पे ही काम किया जाता है, लेकिन बाद में देखा गया van der Waal के द्वारा कि pressure और volume इस दोनों में correction required है, correction in pressure and correction in volume. That means volume of a molecules and the intermolecular force जो negligible यहाँ पे बताया गया वो गलत बताया गया, ये बात के experiments में proof किया गया, तो van der Waal के द्वारा इसको correct किया गया और equation जो आया वो exact van der Waal equation of state कहा जाता है, is equal to P plus
n square a divided by v square into p minus nb is equal to nrt, where at the maximum point, the critical pressure, the critical volume, and the critical coefficients are given by pc is equal to a divided by 27b square, vc is equal to 3b, tc is equal to 8a divided by 27rb, the boil temperature tb is equal to a divided by rb, and critical coefficient is equal to eta is equal to rtc divided by pcvc, which is equal to t by 3, is equal to 2.67. And the coefficient of van der Waal constant, these are called van der Waal constant A, B. So A is equal to 27 R square TC square divided by 64 PC. B is equal to RTC divided by 8 PC. And TC by PC is equal to 8B divided by R. Next, concept of work and internal energy and heat. Work. An interchange of energy between its system and its surrounding is called work. So dW is equal to F dot dS. If F is equal to PA, we know that pressure is equal to force per unit area. So agar iska value yahan pe hum log substitute kar de, so dW is equal to PA dS is equal to PdV hoga. So, W is equal to P1 to V2 PdV, which is equal to area of ABCD. Internal energy of a system. Every thermodynamic system has within itself a definite quantity of energy. Her thermodynamic system mein ek definite quantity of energy hota hai jo system mein hota hai. For example, a liquid freezes into solid, giving heat energy. And zinc and copper sulfate in a Daniell cell react producing electrical energy. This store of energy, jo energy humko dikhai nahi deta hai, this store of energy which is not apparently shown by a system but is still capable of doing work is called internal energy or intrinsic energy. This is very important energy. The energy processed by the body or by a system by virtue of its molecular motion and constitution of its molecule, it is called internal energy. It is denoted by capital U. Internal energy is independent of the path. It is a function. So next is heat. Heat may be defined as energy in transit. It flows from one point to another. Thermodynamically, the heat can be defined as the flow of energy from one body to another on account of difference of temperature. That means do body ke beech mein agar temperature difference hoga to heat flow karega. Generally ye hot body se cold body ki or move karta hai. Next hai hamara reversible and irreversible process. So reversible process jo hum log samajh le ki reversible process agar ye koi process hai, ye iska reactant hai और ये इसका प्रोडक्ट बी है, ये इसका रिएक्टेंट ए है, तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि ये काफ़ी स्लोली मूव करता है, तो ये अगर ए से बी चेंज हो रहा है तो अगर कंडीशन एप्लीकेबल हो तो बी से भी ए की ओर ये मूव करेगा. मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है. ये बेसिक है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. बाकी डेफिनेशन हमारा है यहाँ पे द रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच कैन बी ट्रेस्ड इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब रिटर्न कर सकता है बाय स्लाइटली चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशंस द वर्किंग सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस थ्रू ऑल द स्टेजेस एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस इन सच ए वे दैट ऑल द चेंजेस ऑकरिंग इन द डायरेक्ट प्रोसेस आर एग्जैक्टली रिपीटेड इन द ऑपोजिट ऑर्डर. इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का जस्ट ऑपोजिट होता है. दोज प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन द ऑपोजिट ऑर्डर
बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग द फैक्टर आर नोन एज रिवर्सिबल. मतलब अगर ए से अगर एक बार बी बन गया तो बी से हम ए वापस लौट नहीं सकते हैं, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? नंबर वन, द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज मस्ट नॉट लूज हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन और इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. हेंस फॉर रिवर्सिबिलिटी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट सच एज फ्रिक्शन इंटरनल एंड इंटरन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैग्नेटिक हिस्टेसिस एक्सेट्रा इज मस्ट. मतलब किसी भी तरह का डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. नंबर टू, द चेंज इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस मस्ट टेक प्लेस एट ए वेरी इनफाइनेटली स्लो रेट, जिसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं. सो दैट व्हेन द सब्सटेंस इज रिसीविंग हीट इट्स टेम्परेचर डिफर फ्रॉम द हॉटर बॉडी ओनली इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट एंड व्हेन इट लूजिंग हीट टेम्परेचर अगेन डिफर बाय इनफाइनेटली अमाउंट ऑफ फ्रॉम द कोल्डर बॉडी. Thus, all the reversible process must take place infinitely slowly. इसलिए ये reversible condition का. Next video में हम लोग thermodynamics के बचे हुए अलग basics condition को revise करेंगे.